हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो जैसा कि आप जानते हैं, जीओसी जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा प्रेरणिक प्रभाव जिसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, नंबर दो पे हमने पढ़ा रेजोनेंस को, और नंबर तीन पे हमने पढ़ा है मीजोमेरिक इफेक्ट को। आज चौथा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अति संयुग्मन हाइपरकंजुगेशन। क्लास 11th में पढ़ के भी आए हम इसको, जिसको नो बोन रेजोनेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात यह आती है कि अति संयुग्मन का मतलब क्या है। संयुग्मन हमने पढ़ रखा है, ठीक है ना। अति का मतलब होता है ज्यादा, कहने का मतलब जहां पे संयुग्मन जो है वो बहुत ज्यादा हो। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, अधिक मात्रा में संयुग्मन, जिसको मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। अति संयुग्मन को नो बोन रेजोनेंस भी कहा जाता है। नो बोन रेजोनेंस क्यों कहते हैं इसको, इस बात को मैं एक्सप्लेन करूंगा जब इसका मैं ऑर्बिटल डायग्राम आपको समझाऊंगा वहां पे। ठीक है, तथा इसे सिग्मा बोन्ड पी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी कहा जाता है। ये सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों नो बोन रेजोनेंस कहते हैं, क्यों इसको सिग्मा बोन्ड पी ऑर्बिटल रेजोनेंस कहते हैं, इसका क्या मतलब है। वह स्पीसीज या टाइप जो प्रदर्शित करते हैं अति संयुग्मन को वो कौन कौन से हैं, वो सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे कार्बोकेटाइन में अति संयुग्मन, नंबर दो पे हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल में अति संयुग्मन, नंबर तीन पे हम पढ़ेंगे एल्कीन में अति संयुग्मन, और नंबर चार पे हम पढ़ेंगे कार्बेनाइन में अति संयुग्मन। कार्बेनाइन में बहुत कम होता है अति संयुग्मन, बहुत कम केसेस में देखने को मिलता है। क्यों होता है ऐसा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और एक नाम जो है इसका प्रसिद्ध नाम है, वो है बेकर नाथन इफेक्ट। अति संयुग्मन को बेकर नाथन इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी बातें हैं जो हमें डिस्कस करनी है अति संयुग्मन के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बिल्कुल आसान है, और कार्ब केटायन और फ्री रेडिकल जो है वो दोनों बिल्कुल सिमिलर ही हैं। ठीक है, और ये दोनों आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के साथ। हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें कंपाउंड ए और कंपाउंड बी है। अगर आपसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए, जितना अभी तक हम पढ़ के आए उसके आधार पे आपसे पूछा जाए कि कंपाउंड ए ज्यादा स्टेबल है कंपाउंड बी, जितना हम अभी तक पढ़ के आए उसके आधार पे आप बता सकते हैं कंपाउंड ए जो है वो मोर स्टेबल है किससे, बी से। क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोनों पे कैसा चार्ज आ रखा है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो चार्ज के साथ लेस स्टेबल होते हैं। लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं कि एक ग्रुप जो लगा हुआ है उसका कैसा इफेक्ट है, प्लस आई, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पॉजिटिव चार्ज में क्या आएगी, कमी। लेकिन CH3 पॉजिटिव जो है, या मिथाइल जो कार्बोकेटाइन जो है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसको कम करने के लिए कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं लगा हुआ। इसका मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज तो फिक्स रहेगा, उसमें कमी या बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है उसमें क्या आएगी, कमी, ड्यू टू दिस पॉजिटिव या प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, ए, क्योंकि इसमें चार्ज क्या हो जाएगा, कम। लेकिन इसको देखने का एक दूसरा तरीका भी है, जो है अति संयुग्मन से हाइपरकंजुगेशन से। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है या जिस कार्बन पे चार्ज है उससे जो अटैच कार्बन है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये बात तो आप सब जानते हैं, बिल्कुल बेसिक बात है। ठीक है, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उनको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पे जो कार्बन, अल्फा कार्बन की संख्या है इस कंपाउंड के अंदर वो क्या है, एक, और इस कार्बन के ऊपर कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, तीन। तो तीन अल्फा हाइड्रोजन है तो यहां पे हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर भी कितनी बनेंगी, तीन। ठीक है, कैसे बनेंगी आगे डिस्कस करेंगे हम। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही क्या होंगी, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। CH3 पॉजिटिव के अंदर कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे कोई कार्बन नहीं अटैच है। तो यहां पे नंबर ऑफ अल्फा कार्बन जीरो है, इसलिए अगर अल्फा कार्बन ही जीरो तो अल्फा हाइड्रोजन भी क्या होंगे, जीरो। तो हाइपरकंजुगेशन, कोई भी इसकी हाइपरकंजुगेशन स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। तो हम कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा हाइपरकंजुगेशन स्ट्रक्चर होंगी उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ज्यादा। इसके आधार पर भी हम ऑर्डर बता सकते हैं। ठीक है, और एक हम पढ़ के आए हैं चार्ज में कमी के कारण भी क्या हो जाएगा, स्टेबल। अब बात करते हैं कि किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी हम दो प्रकार से बता सकते हैं। पहला हमने जो पढ़ रखा है, एक तो प्लस आई कारण, प्रेरणिक प्रभाव के कारण एक्सप्लेन कर दी हमने, दूसरा किसके कारण, अति संयुग्मन के कारण। हाइपर कंजुगेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेबिलिटी के। अब बात करते हैं कि जब किसी भी कार्बन के ऊपर, या ये बात करें कि किसी भी कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है या वो कार्बोकेटाइन की फॉर्म में है, तो उस स्थिति में उसके ऑर्बिटल्स की क्या स्थिति होती है। ठीक है, तो मान लीजिए एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, फिर उसके ऑर्बिटल एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास कार्बन है, ठीक है, इसके ऊपर हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, जिसका मैंने ऑर्बिटल डायग्राम बना रखा है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस कार्बन से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ था, जब बॉन्ड ब्रेक हुआ या बॉन्ड
ब्रेक जो हुआ है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है, विषमांश विखंडन हुआ यहाँ से, और बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जो ग्रुप यहाँ पे चौथा ग्रुप जुड़ा हुआ था वो लेके चला गया, तो कार्बन पे कैसा चार्ज जनरेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज। इस स्थिति में ऑर्बिटल्स की क्या स्थिति होती है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये कार्बन है, ठीक है, इसने एक सिग्मा बॉन्ड बना रखा है यहाँ पे जुड़ा हुआ इसके साथ हाइड्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रखी, दो। इसी प्रकार इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तीन, जो मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया था, इसी की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ यहाँ पे दो हाइड्रोजन और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज था, ये इसके साथ अटैच दूसरा कार्बन है ये वाला, ठीक है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, दो हाइड्रोजन, पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या है कि लास्ट ऑर्बिटल जो है कार्बन का पी जेड ऑर्बिटल, उसके अंदर उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन अगर निकल गए हैं तो ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, वैकेंट। तो जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ ये क्या है हमारे पास, वैकेंट पी जेड ऑर्बिटल, ये सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है कार्बन के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में, ये है इसके ऑर्बिटल्स की स्थिति। अब हम बात करते हैं कि अति संयुग्मन होता कैसे है, ठीक है, तो इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल आज इसी कंपाउंड की हम बात करते हैं, आपके सामने कंपाउंड है जिसको हमने डिस्कस किया, जिसका ऑर्बिटल डायग्राम हमने देखा है, ठीक है, ये CH3CH2 पॉजिटिव है, तो यहां पे आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। यहां पे सिग्मा बॉन्ड जो है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे सिग्मा और इसके साथ क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो पहली बात जो मैंने आपको बताई थी इसको क्या कहते हैं, एक तो नो बॉन्ड रेजोनेंस, दूसरी बात क्या है, सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो यहाँ पे क्या है, सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल रेजोनेंस, सिग्मा बॉन्ड के बीच में और पी ऑर्बिटल के बीच में क्या होगा, रेजोनेंस होगा। दूसरी बात नो बॉन्ड रेजोनेंस की समझाता हूं मैं, तो ये तो हो गया सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल रेजोनेंस। ये सिग्मा बॉन्ड जो है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के मैं शो कर रहा हूं यहाँ पे, अगर कार्बन कार्बन के बीच में उतर जाए तो क्या इस हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा, नहीं बचेगा, हाइड्रोजन किसके रूप में निकल जाएगा यहां से, H प्लस के रूप में। इस कार्बन को कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्यों भाई, क्यों, पहले ही एक बॉन्ड इस कार्बन जो है इस एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा था, उसको इसने यहां अगर हम इसको डोनेट करवा देते हैं तो इस कार्बन को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो नुकसान हुआ वो इस हाइड्रोजन को हुआ, इस कार्बन ने तो एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बना रखा था, वो अब इस कार्बन के साथ बना लेगा, तो इस कार्बन को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम शिफ्ट करवा रहे हैं उससे इस वाले कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया भाई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी अधिकता से चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का ही है जो इस बॉन्ड में शिफ्ट करवा दिया हमने, एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया था उससे इस पॉजिटिव चार्ज को हमने खत्म कर दिया, यहां से हाइड्रोजन किसके रूप में रिलीज हो गया, एच प्लस के रूप में। ऐसा हम कितनी बार कर सकते हैं, तीन बार कर सकते हैं, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है, तीन, इसको शिफ्ट करवा देंगे सेकंड टाइम, थर्ड टाइम इसको शिफ्ट करवा देंगे, तो मैंने शो कर रखा है यहाँ पे सेकंड टाइम ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया एच प्लस के रूप में, इसको मैंने एज इट इज दिखा दिया इन दोनों को, ठीक है। थर्ड टाइम मैंने क्या किया, इस नीचे वाले हाइड्रोजन को शो कर दिया, इसको मैं एच वन दे देता हूं, इसको टू देता हूं, इसको मैं थ्री देता हूं, ठीक है ना, समझाने के लिए। तो तीनों हाइड्रोजन क्या हमारे लिए सेम है, यहां पे मैंने थर्ड टाइम इसको शिफ्ट करवा दिया, यहां पे ये किसके रूप में रिलीज हो गया, एच प्लस के रूप में। अब जो बात नो बॉन्ड रेजोनेंस की है, जो नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं, तो यहां पे जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ वो किसके रूप में, कोई भी बॉन्ड उसके साथ नहीं बना हुआ, वो बिना बॉन्ड के, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। इस हाइड्रोजन को आप हटा नहीं सकते, यहां पे इसको साथ ही शो करना होता है, ठीक है। तो ये है बिल्कुल आसान तरीका हाइपर कंजुगेशन का। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फैलाव जो हो रहा है उसके कारण यौगिक का स्थायित्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। भाई इलेक्ट्रॉन फैल ही तो रहे हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन थे ये यहां पे शिफ्ट हो गए, ये यहां पे शिफ्ट हो गया, ये यहां पे शिफ्ट हो गए, तो इलेक्ट्रॉन के फैलने के कारण क्या हो रहा है, यहां पे स्टेबिलिटी बढ़ रही है। अब मैं आपसे कहूं कि CH3 पॉजिटिव जिनका हमने कंपैरिजन किया पीछे, क्या इसकी आप हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बना सकते हैं, क्या इसके आप हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि यहां पर कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन पे अगर नहीं है तो वहां पे अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, और अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं है तो हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर कम बनेगी तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो हम कह सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, अति संयुग्मी संरचनाओं की संख्या के। दूसरी बात हम करें, अगर आपके पास एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल जो है यहां पे मैं आपसे पूछूं कि यहां पे नंबर ऑफ अल्फा कार्बन कितने और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप चेक करेंगे कि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये कितने अदर कार्बन से अटैच है, एक और दो, तो नंबर ऑफ अल्फा कार्बन कितने हो गए, दो। हमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने, तीन इस कार्बन पे और तीन इस कार्बन पे, कितने अल्फा हाइड्रोजन, छह, तो छह अल्फा हाइड्रोजन अगर है तो हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, छह, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ पे इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, ये इस कार्बन से जुड़ा, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, एक, क्या यहाँ पे भी कोई हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, केवल एक है,
तो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, दो, दो अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर कितनी बनेंगी, दो। अब आपके सामने एक सवाल है, वीडियो को पॉज करेंगे और आपको ये सवाल खुद से करना है। यहाँ पे आपको बताना है स्टेबिलिटी के ऑर्डर को कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, कौन सा कंपाउंड जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। आप वीडियो को पॉज करें और खुद से करके देखें, दोनों बातों से आप कर सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आएगा। आप इंडक्टिव इफेक्ट वाला कंसेप्ट यूज कर लें या चार्ज कम या ज्यादा वाला कंसेप्ट यूज कर लें या हाइपर कंजुगेशन हो गया होगा सबका, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, क्या यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो इसकी बात तो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर कितनी बनेंगी, जीरो। अब इनकी बात करते हैं, यहाँ पे अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन भी है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तीन, यहाँ पे कितने हैं, छह, मैं लिखता जा रहा हूँ, यहाँ पे तीन और तीन, यहाँ पे कितने हो गए, छह, यहाँ पे तीन, तीन छह और तीन नौ, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, नौ। तो हम दोनों तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, नो, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, नो, यहाँ पे कितनी बनेगी, छह, यहाँ पे कितनी बनेगी, तीन, यहाँ पे कितनी बनेगी, जीरो। तो जितनी हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर होंगी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, उतनी ज्यादा। दूसरा कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है या चार्ज आया हुआ पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए यहाँ पे कितने प्लस आए लगे हुए हैं, तीन, तो इस पॉजिटिव चार्ज को जल्दी कम करेंगे और चार्ज जितना जल्दी कम हो जाएगा स्टेबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी। यहाँ पे कितने प्लस आए लगे हुए हैं, दो, यहाँ पे केवल एक प्लस आई और यहाँ पे कोई प्लस आई नहीं लगा हुआ है, तो चार्ज सबसे जल्दी कहाँ कम होगा, फोर्थ के अंदर, ये नंबर चार है, तो सबसे आगे कौन आएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर में, फोर्थ, उसके बाद कौन आएगा, थर्ड, इसके बाद सेकंड और सबसे लास्ट में फर्स्ट। बिल्कुल आसान सवाल था, ठीक है, चलते हैं आगे, कुछ सवाल और देखते हैं इसके। आपके सामने एक क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करें और आप मेरे को बताएं कि इस कंपाउंड के अंदर अति संयुग्मी संरचनाओं की संख्या कितनी होगी। बिल्कुल सोच समझ के आपको आंसर करना है, चेक करिए वीडियो को पॉज करके, हो गया होगा सबका ये सवाल। चेक करते हैं हम, ये कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ इस कार्बन से जुड़ा हुआ कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो, ये अल्फा कार्बन है, ठीक है, ये भी क्या हो गया अल्फा कार्बन, कितने हैं यहाँ पे हाइड्रोजन, तीन, यहाँ पे कितने हैं, दो, पांच, ठीक है, क्या आंसर पांच है इसका, किसी ने अगर पांच किया तो बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। यहाँ पे देखो ये कार्बन भी को क्या होगा, अल्फा कार्बन, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन है, बिल्कुल है एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, छह, छह अल्फा हाइड्रोजन है तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर भी कितनी हो जाएंगी, छह, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सवाल था, हमें ध्यान ये रखना था इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन अटैच है तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, छह, और उतनी क्या बन जाएंगे हमारे पास हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। चलते हैं हमारे अगले टाइप में जो है हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में हाइपर कंजुगेशन कैसे होता है, बिल्कुल सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर, ठीक है, बस एक माइनर सा डिफरेंस है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो ये है कि आपको पता है कि फ्री रेडिकल जब बनता है तो पी जेड ऑर्बिटल की क्या स्थिति होती है, वहां पे हमने लिख रखा था वैकेंट पी जेड ऑर्बिटल। जब हमने पी जेड ऑर्बिटल बनाया था कार्बोकेटाइन में तो मैंने यहाँ पे लिखा वैकेंट पी जेड ऑर्बिटल, मतलब खाली पी कक्षक, और यहाँ पे मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन न्यून पी जेड कक्षक। आप इस बात को समझ भी गए होंगे, ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हमने इस बात को बहुत बार डिस्कस कर लिया है कि जब बॉन्ड ब्रेकिंग होती है या होमोलाइटिक क्लीवेज जब होता है, कहने का मतलब ये है कि जो वैलेंस सेल है कार्बन का उसकी ये स्थिति होती है, 2s है, ये 2p है, ठीक है, 2s में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2p में सारे ऑर्बिटल ऐसे भरे होते हैं, चार बॉन्ड जब बने हुए होते हैं। तो जब होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो मैं कह सकता हूं कि ये पी जेड है लास्ट वाला, इसको हम क्या कह देते हैं py और इसको हम कह देते हैं px। पी जेड के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन है उनमें से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब जो बॉन्ड बना हुआ है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन रख लेगा और एक इलेक्ट्रॉन जो इसके साथ कार्बन ने जिसने जिसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ वो ले जाएगा। तो पी जेड में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, एक। तो क्या इस कार्बन के पी जेड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे इसको, इलेक्ट्रॉन न्यून, खाली कक्षक नहीं कह सकते इसको, ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यून, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, और पढ़ के आए हैं फ्री रेडिकल जो है वो एक सात इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है और एक विषम इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है, ये इसके साथ सिग्मा और यहाँ पे पी जेड ऑर्बिटल जो है वो क्या है, इसके साथ कंजुगेशन में। तो ये सिग्मा बंद के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट करा दे, अगर हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं यहाँ के इसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, जैसा मैंने नीचे शो भी कर रखा है, मान लीजिए हमारे पास यही स्ट्रक्चर है। तो मुझे बेसिकली करना क्या है, मैं इसको खोल के लिख देता हूँ, एक देखिए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक बना के दिखाता हूँ आपको। एक कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, ये अटैच है हमारे पास कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये है पी जेड ऑर्बिटल जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब इस कार्बन कार्बन की इस बॉन्ड को हम क्या कहाँ शिफ्ट करा देंगे, यहाँ पे, ठीक है, ये
केवल क्या होगा, पूरा बोन शिफ्ट कराने के बजाय, ध्यान रखना यहाँ किस स्थिति में हम ऐसा कर रहे थे, जब हम कार्बोकेटाइन में पढ़ रहे थे तो ये पीजेड ऑर्बिटल बिल्कुल क्या था, खाली, लेकिन यहाँ पे हमें पता है पीजेड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या होना है, इस कार्बन के और इस हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड बना हुआ है यहां से केवल एक इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, कार्बन और इस कार्बन के बीच में, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन पहले से इसके पास है, तो ये दोनों क्या बना लेंगे, बॉन्ड, यहां पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन किसके रूप में फ्री हो जाएगा, रेडिकल के रूप में, वहां किसके रूप में फ्री हो रहा था, एच प्लस के रूप में, यहां किसके रूप में फ्री होगा, रेडिकल के रूप में। दोबारा समझना इस बात को, मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे इसी को समझाने के लिए। मान लीजिए कार्बन है, इसके साथ यहां पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन है यहां पे, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन शो कर दिया मैंने, यहाँ पे हाइड्रोजन शो कर दिया, जब तीसरा हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है, अगर मेरे को इस बॉन्ड को ब्रेक करवाना है तो होना क्या, यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज होना है, मैं एरो से शो कर रहा हूं, केवल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, या हाफ एरो से शो कर देता हूं समझाने के लिए, ठीक है, बॉन्ड का केवल एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इस कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन किसके रूप में, रेडिकल के रूप में फ्री हो जाएगा, ये कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एच रेडिकल, ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, इसी पे इसके ऊपर क्या है, सी एच टू, तो यही स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, ये कैसे बन जाएगी इसकी थर्ड स्ट्रक्चर, तो बिल्कुल आसान है रेडिकल में, ठीक है। अब आपको पूछ लिया जाए कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या बनेगा, तो आप क्या कह सकते हैं, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही क्या बनेंगे, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे कितनी बन जाएंगी, नौ, यहाँ पे कितनी बनेगी, छह, यहाँ पे कितनी बनेगी, तीन, और यहाँ पे कितनी बनेगी, जीरो, और अगर आपसे प्लस आई के अकॉर्डिंग पूछा जाए या आपसे चार्ज के अकॉर्डिंग पूछा जाए, ठीक है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो कौन ज्यादा जल्दी इस कमी की पूर्ति कर देगा, जितने प्लस आई लगे हैं वो करेगा, यहाँ पे तीन प्लस आई लगे, यहाँ पे केवल दो लगे, यहाँ पे केवल एक लगा है, तो सबसे जल्दी इस डेफिशिएंसी की, इस कमी की पूर्ति कहाँ होगी, थर्ड में, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या बन जाएगा, थर्ड सबसे आगे, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद वन डिग्री, और सबसे लास्ट में मिथाइल फ्री रेडिकल, इसको कहते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। तो आप जानते भी इस बात को, हम कई बार डिस्कस भी करते हैं क्लास के अंदर कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, सेम, ठीक है, उसका रीजन क्या है जो आपके सामने आज आ भी गया है, ठीक है ना, दो तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दोनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, सबसे आगे 3 डिग्री आता है, फिर 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, और सबसे लास्ट में मिथाइल फ्री रेडिकल, ये दो टाइप का हमने पढ़ लिया है। अब तीसरा जो हाइपर कंजुगेशन है, जो है एल्किन, और हाइपर कंजुगेशन है इन कार्ब एनाइन, ये दोनों हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, 2 से 3 लेक्चर में आपका जो टॉपिक चल रहा है जीओसी वो हम फिनिश कर देंगे, उसके बाद हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग लगातार जुड़े रहिए, और वीडियो जो है उनकी हेल्प से आप अपनी स्टडी को ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए और कंटिन्यू रखिए, उसमें आप किसी प्रकार का डिस्ट्रक्शन नहीं आने दीजिए, क्योंकि एट द एंड लॉस आपको ही होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पढ़ाई की जब बात आती है तो आपको सेल्फिश रहना है और अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।